अनुपमा की कहानी में आपको देखने को मिलने वाला है कि बापूजी को होश आ जाएगा, बापूजी ठीक ठाक घर पहुंच जाएंगे। दरअसल पूरे एपिसोड में दिखाया गया है कि अनुपमा वनराज और काव्या को एक साथ देख लेती है और कहती है कि मैं अपने बापूजी के बेटे को लेने आई हूँ, जहाँ वनराज कड़वी बातें कहता है और साथ ही अनुपमा को धमकी देता है कि अगर बापूजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। यहाँ डॉक्टर के आते ही वनराज को सुकून मिलता है क्योंकि डॉक्टर कह देते हैं कि बापूजी अब ठीक है, अनुपमा जी ने सही टाइम पर फैसला ले लिया जिसका नतीजा ये है। वहीं अनुपमा एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है और अब ड्राइविंग सीखने वाली है क्योंकि अनुपमा को पता चल चुका है कि सिचुएशन के अनुसार हमें अपने आप को ढालना पड़ता है और हर चीज़ें सीखनी पड़ती है, इसीलिए अनुपमा कार सीखेगी। यहाँ अब अनुपमा के साथ लीला माँ भी होगी पर वनराज नहीं, पर वनराज के खिलाफ बापूजी और माँ जी आ जाएंगे और देंगे करारा जवाब। बलागे के अपडेट आपको पहुँचा देंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट के जरिए, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ।